Hi everyone, good morning. So welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So आज का जो मेरा टॉपिक है वो रहने वाला है ड्रायर इक्विपमेंट्स के बारे में टू इट्स अकॉर्डिंग टू इट्स प्रिंसिपल. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वेक्शन ड्रायर की. तो कन्वेक्शन ड्रायर में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम देखेंगे. कन्वेक्शन ड्रायर में आएगा आपका नेम ऑफ ड्रायर, जैसे आपका ट्रे ड्रायर हो गया, FBD फ्लूडाइज वेट ड्रायर हो गया, आपका टनल ड्रायर हो गया एंड आपका रोटरी ड्रायर हो गया, जिसको हम मॉडिफाइड टनल ड्रायर भी बोलते हैं. तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रे ड्रायर की. तो ट्रे ड्रायर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूज फॉर. ट्रे ड्रायर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसका यूज़ किस लिए किया जाता है. तो ट्रे ड्रायर का यूज़ आप ड्राइंग ऑफ केमिकल पाउडर्स, स्क्रू ड्रग्स, इक्विपमेंट्स, टैबलेट, ग्रैन्यूल्स को ड्राई करने के लिए करते हैं. एंड इसका जो यूज़ किया जाता है नहीं किया जाता वो इसका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में यूज़ नहीं किया जाता है, इसका केवल और केवल बैच प्रोसेस में यूज़ किया जाता है. बीडी शॉर्ट ड्राइंग टाइम होता है इसमें 30 मिनट्स का. इसमें हम टैबलेट को ड्राई कर सकते हैं, ग्रैन्यूल्स को, प्लास्टिक मटेरियल्स, कोल, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इन फर्टिलाइजर ऑल्सो. इट प्रोड्यूस एक्सप्लोजन, ये एक्सप्लोजन प्रोड्यूस करता है और एट्रिशन प्रोड्यूस करता है, दैट्स वाई हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं. ओनली फॉर बैच प्रोसेस में इसका यूज़ करते हैं, हम कंटिन्यूस प्रोसेस में यूज़ नहीं कर सकते हैं. टनल ड्रायर, तो टनल ड्रायर क्या होता है, ड्राइंग ऑफ पैराफिन वैक्स, जिलेटिन, सोप, ये इसका यूज़ है और इसका जो यूज़ है वो बैच प्रोसेस में नहीं किया जाता है. रोटरी ड्रायर क्या होता है, रोटरी ड्रायर ड्राइंग ऑफ पाउडर एंड ग्रैनुलर सॉलिड. सो हम क्या जो इसमें पाउडर और ग्रैनुलर सॉलिड को ड्राई करते हैं, बैच प्रोसेस में इसका यूज़ नहीं किया जाता है. नेक्स्ट आता है कंडक्शन ड्रायर. कंडक्शन ड्रायर क्या होता है, जिसमें हम फ्रिज ड्रायर की बात करते हैं. सबसे पहले तो फ्रिज ड्रायर में सब्लिमेशन ड्राइंग, लायोफिलाइजेशन या डेसिकेशन, ये जो आपका कंडक्शन ड्रायर होगा इसमें आता है फ्रिज ड्रायर. तो फ्रिज ड्रायर की मैं बात करूँ तो ये बेस्ड करेगा आपके फेनोमेन ऑफ सब्लिमेशन, जो टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है और वो ट्रिपल पॉइंट से कम होना चाहिए इसका टेम्परेचर एंड प्रेशर. सब्लिमेशन प्रेशर होना चाहिए 0.1 to 0.3 mmHg एंड जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए 10 to 30 degrees Celsius. सब्लिमेशन के बाद ये हनीकॉम स्ट्रक्चर एक फॉर्म करे, तभी हम मानेंगे कि उसमें सब्लिमेशन हुई है. तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ फ्रिज ड्रायर. आफ्टर दैट इसकी अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ, इसको कहाँ कहाँ इसको अप्लाई किया जाता है, तो फॉर ड्राइंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को ड्राई करने के लिए किया जाता है, लाइक आपकी एंटीबायोटिक्स होगी, ब्लड प्रोडक्ट्स हो गए, वैक्सीन्स वगैरह होगी, एंड इन एंजाइम प्रेपरेशन लाइक आपका हेलरोनाइडेज, माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर्स या हॉर्मोन्स, इन सबको ड्राइंग करने के लिए आप फ्रीजर ड्रायर का यूज़ करते हो. नेक्स्ट इज योर स्प्रे ड्रायर. तो स्प्रे ड्रायर की अगर मैं बात करूँ तो इट बेस्ड ऑन एटोमाइजेशन ऑफ लिक्विड टू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, ये बेस्ड करेगा आपके ऑटोमाइजेशन ऑफ लिक्विड के टू स्मॉल ड्रॉपलेट्स में एंड विच ड्राई टू सॉलिड पार्टिकल्स, जो ड्राई करेगा सॉलिड पार्टिकल्स को. एप्लीकेशन है स्प्रे ड्रायर का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, सॉल्यूशन को ड्राई करने के लिए, सस्पेंशन को ड्राई करने के लिए, मिल्क प्रोडक्ट्स, थर्मोलेवल मटेरियल, प्लाज्मा, स्कैप्स, स्टार्च, विटामिन सी, एड्रेनालिन, एंटी ए, एंटी बी, एग्लूटाइनेंस ऑफ ह्यूमन सीरम. तो ये था स्प्रे ड्रायर. अब हम बात करेंगे वैक्यूम ड्रायर की. वैक्यूम ड्रायर्स क्या होगा, जो फ्राइएबल और आपको पोरस मटेरियल देता है, सो इजी टू टैबलेटिंग, जिससे कि हम टैबलेटिंग इजीली कर सकें. वैक्यूम ड्रायर जो होता है वो थर्मोलेवाइल होता है, जिसमें पेनिसिलिन और ऑक्सीडाइजेबल मटेरियल्स को इजीली ड्राई कर सकते हैं और ये इसमें रिकवरी कर सकते हैं हम सॉल्वेंट लाइक जैसे इथेनॉल एक्सट्रैक्टिव हो गए उसकी, तो इसको हम वैक्यूम ड्रायर्स बोलते हैं. अब हम बात करेंगे न्यूमैटिक ड्रायर्स की. तो न्यूमैटिक ड्रायर की अगर मैं बात करूँ तो न्यूमैटिक ड्रायर्स ऐसे ड्रायर्स होते हैं इन विच पाउडर्स आर ग्रैनुलर मटेरियल, जो पाउडर होगा वो ग्रैनुलर मटेरियल होगा, आर ड्राइड व्हाइल सस्पेंडेड इन अ स्ट्रीम ऑफ हीटेड एयर. इसमें हम क्या करवाएंगे, स्ट्रीम एयर देंगे. एंड पाउडर्स और पर्टिकुलेट फूड्स आर कॉन्टिन्यूसली ड्राइड इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेटल डक्ट्स, ए साइक्लोन सेपरेटर इज यूज टू रिमूव ड्राई प्रोडक्ट. ड्राई प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए इसमें साइक्लोन सेपरेटर का यूज़ किया जाता है. न्यूमैटिक कन्वेइंग ड्रायर इज ऑफन इंटीग्रेटेड विद अ स्प्रे ड्रायर टू प्रोवाइड, इसमें स्प्रे ड्रायर भी इसके साथ साथ लगा रहता है ताकि हम सेकेंड स्टेज ऑफ ड्राइंग कर सकें. फॉर एग्जाम्पल टू प्रोड्यूस सफिशेंटली ड्राई एग और मिल्क पाउडर, क्योंकि इसमें न्यूमैटिक ड्रायर में हम मेनली स्पेशल जो मिल्क होगा और जो एग पाउडर्स होगा और पोटैटो ग्रेन्यूल्स होंगे उनको ड्राई कर सकते हैं इसीलिए.
न्यूमेटिक ड्रायर हैव रिलेटिवली लो कैप, इसकी जो कैपिटल कॉस्ट होती है बहुत लो होती है, हाई ड्राइंग रेट्स रहते हैं, थर्मल एफिशिएंसीज भी रहते हैं, क्लोज कंट्रोल ओवर ड्राइंग कंडीशंस, ड्राइंग कंडीशंस के बाद हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दे आर ऑफन यूज फॉर स्प्रे ड्राइंग टू प्रोड्यूस फूड विच हैव लोअर मॉइस्चर कंटेंट देन नॉर्मल्स। आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे ड्रम ड्रायर की। तो ड्रम ड्रायर की अगर मैं बात करूँ तो ड्रायर सिंगल भी हो सकता है, ट्विंस भी हो सकते हैं, है ना, डबल्स हो सकते हैं। मटेरियल रेंजिंग फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू हैवी पेस्ट, मटेरियल्स की जो रेंज रहती है फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन से टू हैवी पेस्ट कैन बी इफेक्टिवली ड्राइड इन डबल ड्रम ड्रायर्स। फूड प्रोडक्ट ड्राई कर सकते हैं बाई दिस मेथड इंक्लूडिंग जैसे हीट सेंसिटिव लिक्विड्स हो गए, पेस्ट हो गए, विच कैन बी क्विकली रिहाइड्रेटेड फ्रॉम द रिजल्टिंग फ्लेक्स ऑफ और पाउडर्स। नेक्स्ट आ गया आपका एप्पल सॉस, फ्रूट हो गया आपके पास, फ्रूट प्यूरीज हो गए, बनानास हो गए, प्री कुक्ड हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, एंड ड्राई सोप मटेरियल्स हो गए, उनको हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं डबल ड्रम ड्रायर में। नेक्स्ट अगर मैं पैन ड्रायर की बात करूँ तो पैन ड्रायर का वाइडली यूज़ किया जाता है बैच ड्राइंग ऑफ स्लरीज सॉल्यूशन, फिल्टर केक्स, जैम पाउडर्स एंड क्रिस्टलाइन पाउडर्स में। और जो रेडिएंट हीट ड्रायर होता है वो IR लैम्प का यूज़ किया जाता है उसमें ड्राइंग के लिए, ग्रेन्यूल्स को ड्राई करते हैं उसमें और पेंट फिल्म्स वगैरह को। मॉडर्न ड्रायर में आपका माइक्रोवेव वैक्यूम ड्रायर आ जाएगा। तो जो माइक्रोवेव वैक्यूम ड्रायर जो होता है, माइक्रोवेव एनर्जी इज यूज विच इज सिमिलर टू रेडियो वेव्स, फ्रीक्वेंसी रेंज 300 to 3000 mHz होती है, बट फार्मास्यूटिकल प्रोसेसर इसमें यूज़ किया जाता है जो 2450 mHz होती है। इन दिस ड्रायर पॉली प्रोपाइलिन प्लास्टिक इज प्रेजेंट बिटवीन दो चैम्बर के बीच में, प्रोपाइलिन प्लास्टिक प्रेजेंट होता है थ्रू विच माइक्रोवेव एनर्जी इज पासिंग। एप्लीकेशन है ड्राइंग ऑफ थर्मोलेवाइल मटेरियल्स को हम ड्राइंग करने के लिए मॉडर्न ड्रायर का यूज़ करते हैं। देखिए ग्रैन्यूल्स को ड्राई करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट्स और सॉल्यूशन के लिए और पेस्ट के लिए। तो ट्रे ड्रायर हम बैच प्रोसेसेस के लिए यूज़ करते हैं, बैच प्रोसेस के लिए ट्रे ड्रायर का यूज़ करते हैं ग्रैन्यूल्स के लिए। रोटरी ड्रायर हम सॉल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं, और पेस्ट और अगर स्लरीज वगैरह तो उसके लिए हम वैक्यूम ड्रायर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका FBD में क्या होगा, FBD हम सॉलिड या ग्रैन्यूल्स के लिए, टनल ड्रायर सॉल्यूशन के लिए, और एसीटेटर ड्रायर हम पेस्ट और एसीटेटर ड्रायर के लिए यूज़ करते हैं। टनल बेल्ट कन्वेयर ड्रायर या कॉन्टीन्यूस प्रोसेस के लिए हम यूज़ करते हैं, और पेन ड्रायर हम फॉर सॉल्यूशन के लिए। रोटरी ड्रायर कॉन्टीन्यूस प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है, स्प्रे ड्रायर आपका सॉल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है, जो टर्बो ड्रायर हो गया वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है, फ्रिज ड्रायर भी बैच प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है, और ड्रम ड्रायर आपके सॉल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आए न्यूमेटिक ड्रायर्स एंड वैक्यूम ड्रायर, ये आपके सॉलिड या ग्रैन्यूल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, न्यूमेटिक ड्रायर कॉन्टीन्यूस प्रोसेस के लिए और वैक्यूम ड्रायर आपके बैच प्रोसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये आज आपका टॉपिक था, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।